हाय एवरीवन, माय नेम इज सना शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सना टॉक्स। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके साथ हमेशा स्टाइलिंग, फैशन एंड लाइफस्टाइल वीडियो शेयर करती हूँ। और आज मैं आपके साथ एक स्टाइलिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने सिंपल से प्लाजो को स्टाइल करने वाली हूँ, डिफरेंट वेज में, डिफरेंट टॉप्स के साथ, ज्वेलरी के साथ जो है वो स्टाइल करने वाली हूँ। ये आपके ट्रैवलिंग, आपके डे आउट, नाइट आउट, आपके पार्टीज, आपके फेस्टिवल एंड आपके ऑफिस और कॉलेज लुक के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और ये सीरियसली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इनमें से कोई भी स्टाइल ट्राई कर रहे हैं तो मुझे आप टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। फर्स्ट लुक में मैंने स्टाइल किया है एक वाइट कलर का टॉप जो इसमें लेस वर्क हो रखा है, और ये बहुत ही सुंदर टॉप है। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है, तो गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और ऐसे ही जो हम टॉप होते हैं वो हमारे पास ऑब्वियसली मतलब इस तरह की कलेक्शंस होती हैं, तो आप अपने प्लाजो से इजीली जो है इसे स्टाइल कर सकते हैं। एंड प्लाजो भी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, इसका फैब्रिक भी बहुत सुंदर है, और इसमें जो बेल्ट लगी है सीरियसली गाइस इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है, बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। तो फुल फ्लेयर का जो है ये प्लाजो है, बहुत ही कंफर्टेबल है, आप जैसे मर्जी चिल करें। एंड मैंने इयररिंग्स जो है वो है सिल्वर कलर के स्टाइल किए हैं, वॉच मैंने प्लाजो से मैचिंग पहनी है, एंड एक ब्रेसलेट मैंने स्टाइल किया है। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक, और आप देख रहे हैं ये कितना जो अभी है स्टाइलिश और एलिगेंट लुक आपको दे रहा है। फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने ये टी शर्ट वेयर की है, आप कोई प्लेन टी शर्ट भी इसके साथ पहन सकते हैं, या आप कोई क्रॉप टॉप इसके साथ स्टाइल करें, बहुत ही सुंदर लगेगा। आपके पास प्लाजोज, काफ़ी सारे प्लाजोज ऑब्वियसली सबके पास आजकल होते हैं, तो आप उससे मैचिंग कोई भी टी शर्ट जो है वो आप इसके साथ स्टाइल करें। जैसे इसमें मेरे जो प्लाजो है इसके साथ ब्लैक, येलो और वाइट बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। तो ऐसे ही आप अपने कंट्रास्ट कलर जो है वो यूज़ करके जो है वो इस तरह से अपना स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे नेकलेस ऐड किया हुआ है, बिकॉज़ हल्का सा फेस्टिवल लुक देना था कि अगर आपको राखी में या न्यू ईयर पार्टी या किसी भी ऐसे नाइट आउट में, किसी की पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के गेट टुगेदर करना है, तो आप इस तरह से हैवी सा थोड़ा सा ज्वेलरी ऐड करके इसे लुक जो है स्टाइलिश लुक जो है दे सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट लुक आप देख रहे हैं मैंने एक फॉर्मल शर्ट जो है वो स्टाइल की है। ऑब्वियसली हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास फॉर्मल शर्ट्स होती ही हैं, ऑफिस में फॉर्मल पहनना होता है, तो उनमें से एक शर्ट मैंने निकाली है और उसे स्टाइल किया है कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ मैंने बिल्कुल सिंपल जो है स्टाइल दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने कोई नेकलेस या इयररिंग्स जो है स्टाइल नहीं किए हैं, तो ये भी आपका अच्छा कॉलेज लुक जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा इसके फंक्शन या आप फेस्टिवल के लिए या आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह एक नेकलेस ऐड कर लें, एक अच्छे से इयररिंग इसके साथ स्टाइल कर लें, तो ये बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लुक देने वाला है। ये मेरा सबसे फेवरेट लुक है। एंड फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने स्टाइल किया है क्रॉप टॉप विद डेनिम जैकेट। तो गाइज आप मुझे बताइए कि आपको सबसे बेस्ट लुक कौन सा लग रहा है, एंड ये लुक भी आपके लिए सबसे लाइक ऑफिस या कॉलेज के लिए सबसे बेस्ट लुक है, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हो कंफर्टेबल है। और इसके साथ मैंने जो है प्लाजो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इयररिंग्स पहने हैं जो हैं गोल्ड कलर के, और बहुत ही सुंदर हैं। सिंपल एलिगेंट लुक जो है वो यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरह के लुक क्रिएट करके अपने आप को मोर और ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हो, एंड अपनी एक अलग पर्सनैलिटी जो है आप दूसरों के सामने दिखा सकते हो, और बहुत ही सुंदर जो है वो आपका लुक क्रिएट होके आएगा। सो गाइज इस तरह के लुक आपके ऑफिस, कॉलेज के लिए, डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, या आप सिंपल किसी गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट लुक कौन सा लगा, एंड अगर आप ये ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा लुक ट्राई करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने इसे इंडियन लुक देने की कोशिश की है, और मैंने एक कुर्ती के साथ इसे स्टाइल किया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे मैं दिवाली पे पहनूँ या मैं अपने किसी फ्रेंड के फंक्शन में जाती हूँ, वेडिंग फंक्शन में जाती हूँ, तब भी ये बहुत अच्छा जो है वो स्टाइल लगता है। एक अगर आपके पास सिल्क की या ब्रोकेट की कुर्ती है तो और भी अच्छे से इसे हम स्टाइल कर सकते हैं। एंड इसके साथ एक हैवी दुपट्टा आप ले लोगे मैचिंग या कंट्रास्ट में, तो ये आपका परफेक्ट एक फंक्शन का जो है वो लुक आ जाएगा और बहुत ही सुंदर होगा। ऐसे मैंने चौकर ऐड किया है, इयररिंग ऐड किया है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। सो गाइस मुझे बताइए आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आपको ये भी मैंने स्टाइल्स आपके साथ शेयर किए हैं आपको कैसे लगे। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी, ताकि वो भी इससे कुछ टिप्स आपके साथ आपसे ले सकें, आपकी हेल्प से वो मेरी वीडियो देख सकेंगे और उन्हें भी स्टाइलिंग टिप्स मिलेंगे।
सो प्लीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय. टेक केयर.